अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम अभी जो बताएंगे वह कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आप जानते हैं स्पीच प्रॉब्लम भी होता है। तो स्पीच प्रॉब्लम होता है तो उनको हम क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। स्पीच थेरेपी मतलब वाणी चिकित्सा देंगे। वाणी चिकित्सा देने के लिए हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है एनयूसी यूट्यूब में, आप जाकर के देखिए। थोड़ा सा अभी भरवाटी हिट कर देते हैं हम उस वर्ड को, पहले शब्द को, अल्फाबेट को सिखाएंगे जो बच्चा जल्द सीखेगा। जैसे ए ई आई ओ ई, ओ आर ई ई ई ऊ ए, ये बच्चा जल्द सीखेगा। तो बच्चा जो पहले जल्द सीखेगा उसको हम सिखाएंगे, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। स्पीच थेरेपी की जो टेक्निक है, आप सामने मीडर रखें और बच्चे को बैठ करके, बच्चे आपकी बात को हो सकता है ना समझे, तो आपकी जो लिप रीडिंग है उससे बच्चे समझते हैं, और जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा नकल करेगा। और एक टंग डिप्रेसर रखें, टंग डिप्रेसर से देखें कहीं उसका टंग टाइट तो बच्चा का नहीं है कि जिसके कारण जीभ जो है वो तो मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा। अगर बच्चे का टंग टाइट है तो उसका सर्जन से उसका ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन कराने के बाद फिर स्पीच थेरेपी दें तो बच्चे में सुधार होगा। लेकिन स्पीच थेरेपी का टेक्निक यह है कि जो भी सब सिखाना है तो पहले शब्द उसको लगाइए। जैसे आपको अ सिखाना है तो अ से अनिल, अ पहले आता है, उसके बाद अ ऐसा शब्द बनाइए जो अ बीच में हो जाए, तो उसके बाद ऐसा शब्द बनाइए जो अ बाद में आ जाए, या अ नहीं आता है तो अ की मात्रा है, या क शब्द ले लीजिए तो क से क्या होता है कमल, हाँ फिर क को बीच में ले लीजिए अकबर, फिर क को लास्ट में लीजिए अमुक। जब तीनों शब्द बच्चा बोल दिया तो समझिए कि आप इस बच्चे को क बोलने आ गया। फाइनल, मिडिल एंड इनिशियल, दिस इज द मेन टेक्निक्स ऑफ स्पीच थेरेपी। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करिएगा तब आपको बात में समझ में आएगी, थ्योरी में बात समझ में नहीं आएगी। अब आपको मैं बता दूं कि आपका थ्योरी 40 और 60 क्या है प्रैक्टिकल। कुछ दिन पूर्व हम ऑडिटरी हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑडिटरी के बारे में बता रहे थे। तो ऑडिटरी ऐसी है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ऑडिटरी चलाना आपको संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। इसके बाद वाणी प्रशिक्षण, जैसे मुंह पर हथेली के साथ दबाव डालकर फूंक मारते हुए तेजी से हथेली को हटाना, फ की आवाज सिखाना, तो सीखेगा कि माने अंदर से हवा निकालेंगे तो फ बोलने के लिए आएगा। या उस अंदर से बच्चा हवा नहीं निकाल पाता है तो मोमबत्ती रखिए, अब मोमबत्ती बुताने के लिए बताइए कि इसको फूको, पहले नजदीक में रखे फिर धीरे धीरे दूर हटाइए, तो उसका जितना होगा। उसके बाद माउथ एक्सरसाइज का चिंगम दीजिए खाने के, जिससे माउथ एक्सरसाइज हो। इसके बाद इसका जो भाषा विकास का जो आपका चिकित्सीय उपचार है, तो इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा बच्चे का टंग टाई है तो उसको ऑपरेशन करा लीजिए, फिर स्पीच थेरेपी देंगे तो बच्चा बोलना सीख जाएगा। स्वर तंत्र को बुरी प्रकार से प्रयोग से बचाना है, एक अच्छे आधारभूत स्कूल प्रोग्राम का प्रबंधन करना है, यानी ढंग से उन लोगों को स्पीच थेरेपी देना है, और यह ध्यान रखना है कि अनुभवी और योग्य स्पीच थेरेपिस्ट हो, ताकि आप अपने बच्चे को ढंग से स्पीच थेरेपी दिला सकें और कुछ बोलने के लायक बन सके। तो हमारा जो आज का कम्युनिकेशन ट्रेनिंग था यानी संप्रेषण प्रशिक्षण था समाप्त होता है। जय हिंद।